हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमोन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन अगर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है बार बार, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन अगर जल्दी जल्दी ऑफ हो जाती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है स्क्रीन टाइम आउट का, इसे टैप करना है। अब देखिए स्क्रीन टाइम आउट के इस पेज में मेरा जो है 5 मिनट के सामने टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसमें अगर आपका कम टाइमिंग पे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसमें आपको टाइमिंग को बढ़ा लेना है, जिससे आपके फोन की स्क्रीन ज्यादा देर तक ऑन रहेगी। ठीक है, अब देखिए अगला काम करना यह है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का यह ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको यह ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको यह स्टोरेज एंड कैच का यह ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का यह वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।